आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जिसको पी के आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। और इसकी रेसिपी भी मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माई चैनल दीपालीज ऑसम वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई कमिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला कोला। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया एक, और इसके जो रिम होती है उस पे हम इस तरीके से लेमन को लगा देंगे, और उसके बाद ये सॉल्ट या पाउडर शुगर कुछ भी आप इस तरीके से इस पे कोट कर देंगे तो ये देखने में अच्छा लगता है, और जिस तरीके से रेस्टोरेंट में ये लोग सर्व करते हैं वैसा लुक देता है। अब इसमें हम पुदीना डालेंगे। पुदीना हम तोड़ के डालेंगे और फिर इस तरीके से टुकड़े डालेंगे लेमन के। फिर लेमन और पुदीने को इस तरीके से हम क्रश कर लेंगे सो दैट उसका जो जूस है वो निकल आए और हमारी ड्रिंक में इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फिर मैं डालूंगी यहाँ पे स्वाद अनुसार काला नमक, 1/4 teaspoon जीरा पाउडर। फिर इसमें डालेंगे लेमन जूस। यहाँ मैंने आधा लेमन लिया है क्योंकि मेरा लेमन जूसी था और बड़ा था। छोटा लेमन आप पूरा एक भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें से बीजे निकाल दिए, कुछ बीजे चले गए थे इसमें लेमन के। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें क्रश करी हुई आइस। आप क्रश आइस की जगह आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़ के मैंने फिर से डाल दिए, और अब इसमें डालेंगे कोला। कोले की जगह आप पेप्सी या थम्सअप का भी यूज कर सकते हैं। एक बार हम इसको मिला देंगे, जिसमें इसमें सारे जो भी हमने जीरा पाउडर नमक जो भी कुछ डाला है सब अच्छे से इसमें मिल जाए, और फिर एक लेमन स्लाइस से सजा के इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितने आराम से आसानी से घर बैठे हमने मसाला कोला बना लिया। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अब हम बनाएंगे वर्जिन मोहितो। इसके लिए हमने एक ग्लास ले लिया और सेम प्रोसीजर से इसको इस तरीके से लेमन डाल के इसमें शुगर को कोट कर लिया। सबसे पहले हम इस तरीके से पुदीने तोड़ के इसमें डालेंगे और फिर डालेंगे इस तरीके से लेमन के टुकड़े। फिर हम लेमन जूस इसमें डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें ये पोलो। पोलो का 5 रुपए का पैक आता है, आपको कहीं भी किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। और अगर आपको पोलो नहीं भी मिलती है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप विदाउट पोलो भी इसको बना सकते हैं। इसको अच्छे से क्रश कर लिया मैंने, जिसमें जो भी मैंने डाला है उसका सारे का फ्लेवर मुझे ड्रिंक में मिले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला शुगर पाउडर। शुगर पाउडर की जगह शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। फिर मैंने डाली यहाँ पे स्प्राइट। स्प्राइट में खुद की शुगर होती है इसलिए शुगर ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 teaspoon या 1.5 teaspoon। उसके बाद अच्छे से इसको मिला देंगे और फिर ऊपर से डालेंगे इसके क्रश्ड आइस या आइस क्यूब्स। फिर मैंने सजाया इसको एक लेमन स्लाइस और एक पुदीने के पत्ते से। रेडी टू सर्व। यही वर्जिन मोहितो जब हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो 150 से लेके 350 कुछ भी इसकी रेंज हो सकती है, और घर पे हमने इसको बहुत ही सस्ते में तैयार कर लिया। अब हम बनाएंगे अपनी तीसरी समर ड्रिंक जो कि बहुत पॉपुलर है। हम बनाएंगे लेमनेड। तो ऐसे ही रिम पे मैंने इस तरीके से कोट कर ली शुगर, और इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे 3 teaspoon शुगर पाउडर, और उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, करीबन 2 teaspoon। एक्चुअली यहाँ पे हमको शुगर सिरप बनाना है, तो शुगर सिरप आप पाउडर शुगर से डायरेक्ट ग्लास में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास पाउडर ना हो शुगर का, शुगर हो तो फिर आप एक कटोरी में थोड़ी देर उसको पानी में भिगो के रख दीजिए तो आपका शुगर सिरप बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 2-3 चुटकी,
उसके बाद डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, फिर डालेंगे उसमें स्वाद अनुसार काला नमक और चाट मसाला। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। और फिर हम अपना लेमन जूस इसमें डालेंगे, 1/2 लेमन to 1 लेमन तक आप इसमें डाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका लेमन जूसी कितना है और बड़ा कितना है। अब इसमें थोड़े बीज आ गए हैं, उसको हम स्पून की हेल्प से निकाल देंगे। अच्छे से स्पून से इसको मिला लीजिए और फिर इसमें हम आइस डालेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे बिस्लरी का सोडा लिया है, आप कोई भी सोडा ले सकते हैं, कैच का या जो भी अवेलेबल हो मार्केट में आपके पास, उसको हम डाल देंगे। अब एक बार और स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, जिसमें हमने जो भी कुछ इसमें डाला है वो अच्छे से मिल जाए। अब एक लेमन स्लाइस से इसको सजा देंगे और बस देखिए तैयार है हमारा मसालेदार लेमन सोडा और लेमनेड। तो देखा आपने कितना इजी था इन समर ड्रिंक्स को बनाना। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके गेस्ट आपके आए तो उनको प्लेन कोल्ड ड्रिंक के बजाय अगर आप इस तरीके से सर्व करेंगे तो गेस्ट आपके आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएंगे। होप यू लाइक टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।